तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करी चरण बंदन जा हे ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री 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 माध भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरणों में मैं यथाजग प्रणाम करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री जगन्नाथ जी का प्राकट का क्या कारण है। इसमें गुरुदेव उन्हें तीन कारण गुरुदेव ने बताया है। एक तो ये कारण है कि दूसरा कारण क्या है कि एक समय कुछ साधु भ्रमण करते करते वो जगन्नाथपुरी में पहुंचे और वहाँ के जो राजा इंद्रदुम्न और उनकी जो पत्नी गुंडिचा देवी बड़े भक्त भगवान के, कहीं अगर सत्संग हो जाकर के सत्संग में बैठते और कथा सुनते हैं। वो साधु लोग अपना अनुभूति की बात बताते बताते बताए, देखो हम सर्वत्र तो भ्रमण किया है लेकिन एक जगह हमको बहुत अच्छा लगा। बोले कहाँ पर? बोले श्री नील माधव का। जैसे वृंदावन में जैसे यमुना नदी कलकल नाद से बहती है, जैसे कोयली जैसे कुहकती है, मयूर जैसे केका करते हैं, जैसे सुंदर वृंदावन में फल फूल से वृंदावन भरे हुए होते हैं, जैसे वहाँ पर यमुना नदी बह रही है वहाँ पर उसी तरह महानदी कलकलनाद से बह रही है, जैसे गिरिराज गोवर्धन वहाँ भी सुंदर गिरिराज गोवर्धन जैसे सुंदर पर्वत है, जैसे सुंदर मनोरम स्थान वहाँ पर भी जो सूर्य उदय होते हैं बड़ा सुंदर लगता है, और वहाँ पर कटहल का पेड़ आम का पेड़ नारियल का पेड़ जामुनों का पेड़ बड़ा सुंदर वहाँ बगीचा, और वहाँ पर सख्यात श्री भगवान नील माधव रूप में पूजा हो रही है और भगवान के चरण से स्वयं गंगा प्रकट हुई है। नील माधव गए कि नहीं? गए नहीं, इसलिए जैसे उनका चरण पहाड़ के ऊपर में जैसे लोग जाए ना उनको जो चरणामृत देते हैं उनका चरण से जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलती है ना गर्म होने पर,
भगवान का चरण से अपने आप वहां जल निकलती है। इसलिए कहते वो नील माधव सख्यात भगवान बड़ा सुंदर भगवान की दर्शन हम मिला, सबसे बढ़िया हमें लगा। अभी राजा रानी कथा सुने, जब विश्राम करने के लिए गए राजा रानी, तब रानी ने राजा को बोले, आपने सुना है वो संत कह रहे थे बड़ा सुंदर कहीं कि नील माधव ठाकुर जी, कल जब हम जाएंगे फिर उनको पूछेंगे ये ठाकुर जी कहाँ हैं और कैसे दर्शन मिलेगा। लेकिन साधु लोग हाँ रमते जोगी बहते पानी, वो कहीं रुकते नहीं, इसलिए वो राता रात ही कहीं चले गए। जब चले गए दूसरे दिन रानी ने देखा साधु लोग तो कहीं चले गए, पता ही नहीं चला। तब रानी ने हाट ले लिया, महाराज आप सैनिक को द्वारा पता लगाओ ये नील माधव कहाँ पर है। हट बहुत तरह का हट है, एक बाल हट, एक जोगी हट, एक स्त्री हट, समझती है? हट मतलब होता है हमें ये चीज चाहिए। देखना बच्चे जब बाल हट कर लेते हैं ना, भैया हमें ये चाहिए, जब तक नहीं दोगे तब तक रोते रहेंगे। और एक होता है जोगी हट, जोगी हट मतलब जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मंत्र साधन कि वह शरीर पतन, भले ही हमारी शरीर पतन हो जाए लेकिन भगवत प्राप्त करके ही हम छोड़ेंगे। इसलिए गुरुजी एक समय बोल रहे थे, एक समय गुरुजी ध्रुव टीला पर गए, वहाँ पर कोई एक साधु भजन कर रहा था। तब तो हमारे गुरुजी की पूछे, बोले महाराज जी यहीं पर ध्रुव महाराज जी 6 महीना में भगवत दर्शन किया है, 6 महीना में, अभी तक हम इतना दिन ही हो गई अभी तक हमें ठाकुर नहीं मिले। गुरुदेव ने कहा देखो तभी मिलेंगे भगवान जब तुम्हारी प्राण होठ में आ जाएगा। होठ में आ जाएगा समझ रहे हो, मतलब है ठाकुर जी अगर आप दर्शन नहीं दोगे आपका विरह में हम ये प्राण त्याग दे देंगे, हैं प्राण त्याग दे देंगे। इसलिए ध्रुव महाराज को क्यों मिला, कहते पहला महीना में तो 3 दिन को बाद में एक बार बेर फल खा करके भजन किया, मतलब 3 दिन तक जब बैठते थे भजन करने के लिए एकदम उसमें डूब जाते थे, 3 दिन को बाद में फिर एक बार उनका आँख खुलता था, जब खुलता था थोड़ा बेर फल खा लेते थे, हैं उसके बाद में दूसरे महीना में 6 दिन को बाद में जब भजन करने के लिए बैठते थे एकदम 6 दिन तक पूरा भजन में डूब जाते थे, फिर आग खुले तो पेड़ से जो पत्ते गिरी जाते थे उसको खा करके भजन किया। तीसरे महीना में 9 दिन तक एक जगह पर बैठ करके भजन करते थे, पूरा उसमें डूब जाते थे, फिर जब आग खुली जाती थी थोड़ा पानी पी कर ले अब भजन करते थे 9 दिन अंतर। चौथा महीना में 12 दिन तक जब भजन में बैठते थे पूरा 12 दिन तक लगातार बैठ करके भजन करते थे, जब आँख खुल जाता था थोड़ी सी पानी पी लेते थे, पानी पी लेते थे। फिर जब पंचवा महीना आए उन्होंने पानी तक भी छोड़ दिया, छठवा महीना आए तो उन्होंने अपना प्राण वायु को ही उन्होंने प्राण वायु को उन्होंने रोक लिया, तभी उनको 6 महीना ही भजन मिला, भगवत प्राप्ति हुई। लेकिन हमारी भजन कैसे, अगर 5 मिनट बैठते ना माला जप करने के लिए बोलो अभी तक माला खत्म नहीं हो रही, कब माला खत्म होगी। हम मतलब 5-10 मिनट भी हम एक जगह पर बैठ करके भगवान के भजन नहीं कर पाते। इसलिए तब भी भगवत प्राप्ति होगा कब, जब हमारी मन पूरा भजन में डूब जाएगी। हैं लेकिन वैसे तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, जब भजन के लिए बैठते हैं ज़्यादा ही भटकता है। आँख कोशिश करते हैं गुरु मंत्र जप करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट गुरु मंत्र जप करेंगे, केवल गुरु जी को ही याद करेंगे। देखना गुरु जी को ठाकुर को याद वगैरह सब चीज़ याद होता है, केवल गुरु जी ठाकुर ही याद नहीं आता है। हमारे मन इतने चंचल मन हैं, तो ऐसे चंचल मन से भगवत प्राप्ति कैसे होगा। हाँ इसलिए
जब तक उसमें डूब नहीं जाएंगी तब तक ये भगवत प्राप्ति नहीं होगा, है? उसमें डूब जानी चाहिए। इसलिए एक कहते ये जोगी हट है, मतलब जब साधु लोग भगवत भजन के लिए जब बैठते हैं बस पूरा उसमें बैठ जाते हैं, अपना मन को संपूर्ण ठाकुर जी के चरण में उनको चिंतन में मंत्र के ध्यान में लगा देते हैं, है? इसलिए उसको कहते हैं जोगी हट। तीसरा जो हट है कहती ये स्त्री हट है। स्त्री हट मतलब अगर ये पति को पीछे पड़ जाए, हमें ऐसे साड़ी दीजिए, हैं, हमें ऐसे कपड़ा चाहिए, नहीं तो हमें ऐसे अलंकार दो, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो रोटी खाना ही नहीं खिलाएंगे, हैं। इसलिए कहते हाँ ये हट ठीक है स्त्री हट, लेकिन अगर वो हट अगर भगवान की भजन के लिए हट हो ना, नहीं आज सत्संग में जाएंगे, अगर सत्संग में नहीं जाएंगे ना आज खाना नहीं बनाऊंगे, बात ये हट सही है। हाँ ठाकुर जी के लिए आप ऐसे ऐसे चीज था खरीद करके ले आना, हाँ ठाकुर जी के लिए जरूर। हाँ अगर ये हट अगर भगवान की भजन के लिए अगर ये हट हो ना, फिर तो वो हट भगवत प्राप्त करा देता है। इसलिए गुंडचा देवी ने हट पकड़ लिया, बोले किस चीज का हट पकड़ ली, बोले हमें हैं हमें आप पता लगाओ ठाकुर जी कहाँ हैं, हैं। अभी राजा ने चार दिशाओं में सैनिक को भेज दिए, लेकिन उनको ऐसे लग रहा था जैसे वो कथा कर रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे ठाकुर जी दक्षिण दिशा में, इसलिए उनको एक पुरोहित थे जिनका नाम था श्री विद्यापति, हैं, कहते बड़ा चतुर था बड़ा बुद्धिमान था, इसलिए उन्होंने उसी तरफ में इनको भेजे, बोले देख बेटा लगता है ठाकुर जी इस तरफ में ही है, इसलिए उनको उस तरफ में भेजा, लेकिन चार दिशा में भेज दिए, तीन दिशाओं के लोग तो वापस आ गए, बोले हमको कहीं नहीं मिला, लेकिन ये विद्यापति ने घोर जंगल पन में भटकते भटकते भ्रमण करते करते एक दिन जब शाम हो गया, उन्होंने दूर से देखा कहीं टिमटिमाता हुए कहीं लाइट जल रही है, बोले ये लाइट क्यों जल रही है, फिर उनने पता लगाते लगाते गया तो देखा कुछ सबर बली, सबर मतलब जो भील होते हैं, भील जो जंगल में रहते हैं, सबर हैं, सबर उसको क्या बोलता हूँ आप तो भाषा में, हाँ जानते हैं, कहते ये सबर पल्ली है। जब वहां पर पहुंचे वहां पर गांव में बोले एक रात हम यहाँ रुकना चाहते हैं, कहीं क्या रुक सकते हैं, बोले हाँ यहाँ पर एक विश्वावसु नामक एक सबर है, बहल हैं सबर है को बड़ी बड़े अतिथि सेवा करने वाले, अब उनके घर में रुक सकते हैं। जब उन्होंने वहां पर पहुंचे घर में उनकी एक बेटी थी जिसका नाम थी ललिता, हैं वो ललिता थी। जब घर में पहुंचे ललिता ने बोले देखो मेरे पिताजी गए हुए बाहर है, इसलिए पूजा करने के लिए ठाकुर जी को गए, वो जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक आप बाहर अपेक्षा करो, जब पिताजी आ जाएंगे फिर आप अंदर में आना, कहते ये मर्यादा है, ये मर्यादा है। इसलिए अभी उन्होंने अपेक्षा किए, लेकिन जब वो उसको पिताजी आए विश्वावसु आए, उनकी शरीर से बड़ी सुंदर खुशबू निकल रहा था, अगूर कर्पूर चंदन हैं बड़ी सुंदर सेंट की खुशबू आ रहा था। बोले क्यों, बोले ठाकुर जी को जब सेवा करते हैं, हैं चंदन अगुर से आप देखना ठाकुर को चंदन अगुर सेवा कर अपने आप हाथ में लग जाएगी, अपने आप के कपड़ा में लग जाएगी। इसलिए भगवान को सेवा करोगे ना हम भी स्वयं शरीर से खुशबू भी निकलने लग जाती, क्योंकि उनका अगुर चंदन से सेवा करोगे तो वो शरीर में कहीं ना कहीं लगेगा, हैं। इसलिए शिक्षा देते हैं जब भगवान को हम सेवा करते हैं, भगवान को श्रृंगार करते हैं, भगवान को पूजा, हम भी अपने आप शरीर से खुशबू अपने आप निकलने लगता है। तो उन्होंने बोले इतनी शरीर खुशबू कहाँ से आ रहा है, हैं? अभी उन्होंने उनको आतिथ्य सत्कार करके अंदर में बैठाए, हैं बैठाए तो उन्होंने कुछ दिन उनको ऐसे लग रहा था जैसे यहीं से पता चलेगा नीलमाधव कहाँ है, हैं नीलमाधव कहाँ है। एक दिन उन्होंने बात बात में उनकी जो लड़की थी उनसे पूछा, बोले तेरे पिताजी कहाँ जाते हैं, सवेरे जाते हैं रोज और आते हैं शाम को,
बोले पिताजी मना किया किसको बताने के लिए, बोले बताओ तो सही। बोले एक ठाकुर है जिनका नाम नील माधव, रोज वो नील माधव को पूजा करने के लिए जाते। बोले मैं तो वही नील माधव को ढूंढने के लिए आया हूँ, ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसलिए विद्यापति ने किया किया धीरे 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 उनकी जो लड़की थी ना उनको साथ उसने प्रेम कर लिया। ये तो ब्राह्मण है, वो सबर है, हैं? लेकिन इसलिए प्रेम कर लिया, यहीं से ठाकुर जी की पता यहीं से ही मिलेगा। अभी प्रेम करके उसको साथ में शादी कर लिया। जब शादी कर लिया, एक दिन ललिता अपना पति की सेवा कर रही थी, सेवा करते समय इतने में विद्यापति ने बता दिया, बोले देखो मैं जगन्नाथपुरी से राजा हैं इंद्रदुम्न महाराज का मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे को राजा ने मेरे को ये नील माधव को पता लगाने के लिए भेजे हैं, इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ तो सबरी कन्या हूँ, मैं तेरे से शादी नहीं करता, इसलिए शादी किया ये नील माधव को पता लगाने के लिए। तुम तुम्हारे पिता को बोलना एक बार मेरे पति को आप नील माधव ठाकुर दर्शन करा दो, हैं अगर दर्शन करा देंगे तो फिर तो मैं रहूँगा, नहीं तो मैं चला जाऊँगा अपना घर। अभी जब शादी हो गई और पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है, जब शादी हो गई फिर कहाँ जाएगी। तब उन्होंने जब विश्वावसु आए, एक दिन ललिता उनकी चरण की सेवा कर रही थी बेटी, करते करते वो आंखों से आंसू बह रहा था, रो रही थी। पिताजी ने पूछा बेटी क्या बात है, रो रहे हैं क्यों। बोले मेरे पति का इच्छा है एक बार उनको नील माधव दर्शन करा दो, वो कहते हैं अगर नील माधव दर्शन नहीं कराओगे वो फिर अपना घर में चले जाएंगे, अगर पति मेरे को छोड़ दिया ना फिर मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। इसलिए स्त्रियों का एक बहुत बड़ा ये दवा औषध है, मतलब कुछ अगर नहीं देगा तो हम बेच जहर खा देंगे, मतलब पति जरूर करेंगे काम को। इसलिए फिर बोला ठीक है, उसको बोल देना मैं आँखों को ऊपर में काला पट्टी बांध करके ले जाऊँगा, ऐसे नहीं ले जाऊँगा। बोले कोई बात नहीं। तब विद्यापति ने बोले उसको पत्नी ललिता को, तुम कुछ ऐसे काम करो जैसे मैं बाद में राजा को ला करके दिखा सकूं। बोले ठीक है, मैं आपका सरसों होता है ना सरसों, मैं एक कपड़ा में बांध दूंगी, जब आपको आंख बंद करके ले जाएंगे आप इसको रास्ता में आप उसको धीरे 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 फेंकते फेंकते जाना, हैं जब बरसात समय आएगी आएगा तो बारिश ही होगी, बारिश होगा तो वो पेड़ उगेगा, पेड़ उगेगा तो एक लाइन जैसे बन जाएगा, मतलब आपको कहाँ लेकर गए थे पता चल जाएगा। उनने ठीक वैसे कर दिया, उनको ले करके जब गए नील माधव, उनने जब उनको आंखों से कपड़ा खोला ना, क्या सुंदर ठाकुर है, चतुर्भुज भगवान का भगवान, चतुर्भुज रूपधारी, बड़े सुंदर वहाँ महानदी बह रही है जैसे गिरिराज गोवर्धन के ऊपर में, बड़े सुंदर पेड़ पौधा, बड़ी अपूर्व स्थान है। उनने ठाकुर को दर्शन किया, विश्वावस ने कहा तुम यहीं बैठो, मैं कुछ फल फूल और कुछ ठाकुर को सेवा के लिए लेकर के आता हूँ, ठाकुर को पूजा करके फिर हम दोनों चलेंगे। जब चले गए वो बैठा हुआ था, इतने में देखा वहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम था रोहिणी कुंड, और देखा उसको वहाँ पर सुंदर एक बट वृक्ष, और बट वृक्ष के ऊपर में एक कौवा बैठ करके झूम रहा था, और झूमते झूमते हठात उसने वो कुंड में गिर पड़ा। कुंड में गिरते ही उसका हो गया चार हाथ, देखा वैकुंड से रथ आया और वो रथ में बैठा और उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त करते हुए सीधा वैकुंठ चला गया। बोले बाबा ये कुंड का इतना महिमा, एक कौवा गिर पड़ा तो चतुर्भुज रूप और सीधा वैकुंठ चला गया, मैं भी ये कुंड में कुआ में छलांग लगा दूंगा, मेरे को भी मुक्ति मिल जाएगी। इतने में वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लग गया, आकाशवाणी हुई विद्यापति सावधान, तू राज कार्य में आए हो, तुम्हारा द्वारा जगत का बहुत कल्याण होने वाला, इसलिए तुम छलांग मत लगाया करो, जो काम के लिए आए पहले वो काम करो। जो उन आकाशवाणी हुई उसने नीचे उतर करके आ गए,
आकर के बैठे थे, इतने में विश्वावसु आए और ठाकुर को सुंदर स्नान करवाया, सुंदर फूलों के सेवा की, भोग लगाए हैं, फिर वापस आ गए। जी वापस आ गए, इतने में उसने दर्शन कर लिया ठाकुर जी को, उन्होंने चले गए। कहाँ चले गए? राजा के पास में चले गए। बोले महाराज मैंने ठाकुर जी को ढूंढ निकाला, चलो अपना सैन्य सामंत पत्नी को लेकर के चलो। लेकिन जब राजा को प्राणी को सबको लेकर के आ करके आए ना, देखा वहां पर ठाकुर है ही नहीं। राजा को पता चला ये विश्वावसु, इसने जरूर ठाकुर जी को कहीं उसने छुपा दिया। बोले इसको जल में बंद कर दो, हाँ जल में बंद कर इसको। तो जल में बंद करने जा रहे थे, फिर आकाशवाणी हुई, बोले महाराज ये विश्वावसु मेरे सेवक है, हाँ जल में इनको बंद मत करो, और आपको मैं इसी रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं जगन्नाथपुरी में, वहाँ पर हमारा मंदिर जहाँ पर है ना, हाँ उसका नाम बांके मुआणी चक्रतीर्थ, बोले वहीं पर मैं दारू ब्रह्म रूप में, मतलब लकड़ी रूप में, मैं बहते बहते समुद्र में आऊँगा, फिर वो लकड़ी से आप मेरे रूप को बनाओ। जब उन्हें आकाशवाणी हुई, सचमुच से आ करके देखा भगवान वहाँ पर लकड़ी रूप में बहते बहते आए, और उसमें शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह है, इसलिए उसको नाम कहते चक्र तीर्थ, हैं चक्र तीर्थ। फिर राजा ने वो लकड़ी को ले जाने के लिए कोशिश की, लेकिन टस से मस भी नहीं हुए। बोले महाराज ऐसे मेरे को ले नहीं जा सकते हो, सोने की रथ बनाओ, हैं और मेरे दो भक्तों को बुलाओ, विद्यापति और विश्वावसु, ये दोनों को बुलाओ, और कीर्तन करते करते इनको द्वारा उठवा फिर मैं चलूंगा। जब कीर्तन करते करते इनने जब हाथ लगाए ना, ठाकुर जी अपने आप रथ में बैठ गए और लेकर के राजमहल में गए। बोले मूर्ति बनाओ, लेकिन जो हाथोड़ी होता है ना, हाथोड़ी और छेनी होता है जिससे काटते हैं, लेकिन वो टच कराए तो उसमें थोड़ी सी दाग तक भी नहीं आया, खोरच तक भी नहीं आया, वो लकड़ी ऐसे था। बोला अभी क्या होगा, अभी स्वयं श्री भगवान ही एक कारपेंटर रूप में आए, महाराणा रूप में। उनका नाम बोले मेरा नाम अनंत महाराणा, हाँ अनंत बलदेव प्रभु, नहीं तो अनंत कृष्ण, हैं बोले मेरा नाम अनंत, हैं अनंत महाराणा मेरा नाम है। आपका नाम क्या है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, इसलिए मेरा नाम अनंत महाराणा है। अभी बोले मैं ठाकुर जी का बना दूंगा, लेकिन एक काम करो, एक घर बना चार तरफ में दीवार करके, उसी को अंदर में ठाकुर जी को रख लो, ये दारू ब्रह्म को, और 21 दिन तक इसको खोलना नहीं है, 21 दिन में इसको कंप्लीट हो जाएगा। अभी 14 दिन तक तो लकड़ी जैसे काटते हैं ना, आवाज आई, पूरा दरवाजा बंद, आवाज आ रही थी, 14 दिन के बाद में देखा आवाज बंद हो गया। बोले ये आवाज क्यों बंद हो गया? रानी फिर पीछे पड़ गई, है बोले महाराज ये ब्राह्मण देवता थे, वैसे तो बूढ़े लग रहे थे, हो ना हो अंदर में प्राण तो त्याग नहीं दे दिया, फिर ब्रह्म हत्या लग जाएगा। 14 दिन तक तो आवाज आई, अभी आवाज क्यों नहीं आ रही? अगर ये ब्राह्मण मर गया फिर ब्रह्म हत्या पाप, बड़ा पाप है, हैं इसलिए आप इसको खोलो। राजा जब उन्होंने दरवाजा तोड़ करके खोले ना, देखे कोई अंदर में है ही नहीं, ठाकुर का जो ऐसे जो रूप, तीनों ठाकुर ऐसे ही, हाथ नहीं, आंख नहीं, प्यार नहीं, ऐसे ही ठाकुर। फिर तो राजा दुखी हो गए, हैं बोले अभी तो मोटी मोटी काम हो गया था, अभी जो बारीक बारीक सुंदर आंख निकालेंगे, ठाकुर का नाक बनेगा सुंदर, ठाकुर जी के होठ बनेगी, ठाकुर जी का अंगुल निकलने वाले, मतलब जो अभी बारीक काम बाकी रह गया था, और मोटा मोटी तो काम हो गया, इसलिए मैंने खोल दिया, मैंने अपराध हो गया। फिर राजा ने ठाकुर के चरण में गिर पड़े, बोले ठाकुर जी खाना पीना नहीं खाएंगे जब तक आप पूरा नहीं बनोगे। फिर ठाकुर जी स्वप्न दिए, बोले महाराज इसमें आपकी कोई दोष नहीं, मेरी इच्छा है, इच्छा थी इसी रूप में ही प्रकट होने का, इसलिए आप कोई चिंता मत करो। हाँ अगर मेरे रूप देखना चाहते हो, एक काम कर लो, सोने में बना दो, जैसे कृष्ण का जन्माष्टमी होगा, कृष्ण जैसे, हाँ कृष्ण जैसे
जन्म हुए थे ऐसे ही सोने में बना दो। जैसे राम, जब जिस समय भगवान राम का जन्म उत्सव होगा, मेरे को राम रूप में उस समय श्रृंगार करना। जब भगवान वामन देव जब प्रकट होते हैं, मेरे को वामन रूप में सजाना। जब भगवान जिस समय भगवान दूसरे रूप में नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं, मेरे को नरसिंह रूप में श्रृंगार कर देना। मेरे को इसी रूप में दर्शन कर सकते हो, लेकिन ये मेरी नित्य स्वरूप है, इसी रूप में ही मैं प्रकट होना चाह रहा था। हाँ, इसी रूप में प्रकट होना चाह रहा था। तब राजा को सांत्वना मिली। अभी ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट हो गए तो ठाकुर जी को स्थापन करना पड़ेगा। इसलिए राजा सोचा ब्रह्मा जी को ब्रह्म लोक से ला करके ठाकुर जी को स्थापन करूंगा। राजा चले गए ब्रह्म लोक में। उसी समय ब्रह्मा जी कोई मीटिंग में बैठे हुए थे, बिजी थे। अभी राजा को थोड़ी सी इंतजार करना पड़ा। इंतजार किया तो, लेकिन इसी जगत में ब्रह्म लोक का समय इधर का समय बहुत फर्क है। यहाँ पर तो क्या हुआ, कितने साल बीत गया और जो रेतियों से समुद्र किनारे था ना, वो रेतियों से पूरा पूरा मंदिर पूरा ढक गया। ठाकुर ढक गए, मंदिर ढक गया। एक राजा था, हाँ, लांगुला नरसिंह देव राजा। वो एक समय घोड़े को ऊपर बैठ करके जा रहे थे। जाते समय जो मंदिर का जो चक्र है, ऊपर में चक्र है, उसको अंदर में घोड़े का जो खुरा है, खुर है, वो लग करके घोड़ा गिर पड़ा। राजा बोले कहाँ लगा। इतने में देखा एक लोहे का टुकड़ा है। बोले लोहे का टुकड़ा क्या। उनने हटाया, हटा करके देखा चक्र। बोले चक्र क्या। फिर हटाया रेती, देखा जैसे मंदिर। फिर उन्होंने सैन्य सामंत को बुला करके पूरा रेती को हटाया। जब रेती को हटाया ना, वो जो पूरी जो मंदिर दर्शन कर रहे हो, पूरा ये मंदिर निकला। जब मंदिर निकला, बोले इतनी सुंदर मंदिर, अद्भुत मंदिर। फिर राजा ने बस उसका ही राजा खुद बन गए, बोले मैंने इसको बनाया। जब इंद्रदुम्न राजा फिर वापस आए, देखा दूसरा राजा तो यहाँ राजो तो कर रहा है। उन्होंने कहा राजा ये मैंने बनाया, मैंने गया था ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, स्थापन करने के लिए, बीच में सब हो गया। बोले नहीं ये मेरे हैं। उसने कहा नहीं ये मेरे हैं। अभी दोनों में मेरे मेरे के लड़ाई हुई। इतने में वहाँ पर एक अक्षय बैठे अंदर में, हाँ, बट वृक्ष है। उसी बट वृक्ष के ऊपर में एक कौवा बैठा था। वो कौवा कौन, बोले काग भुसुंडी। काग भुसुंडी उसने साखी दिया, बोले देखो ये राजा ने इंद्रदुम्न बनाया, ये गए थे ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, और वहाँ का समय यहाँ का समय में बहुत फर्क था, और रेती में ढक गया था, तुमने उसको संस्कार करवाया, लेकिन ये बनाया तो श्री इंद्रदुम्न महाराज। फिर उन्होंने साखी दिया, फिर ब्रह्मा जी मंदिर को स्थापन किए। बोले ठाकुर स्वयं प्रकटित हुए, इनको मैं स्थापन नहीं कर सकता हूँ, ये मंदिर के ऊपर में झंडा में गाड़ दूंगा। ब्रह्मा जी ने झंडा को काट दिया, और कैसे ठाकुर का विधि विधान से कितना बार भोग लगेगा, ठाकुर जी कब शयन करेंगे, ठाकुर जी कब उत्सव होगा, क्या नीति नियम, उनने सारे नीति नियम को ब्रह्मा जी ने अच्छे तरह से लिख करके ठाकुर जी को क्या क्या भोग लगेगा, हैं, उन्होंने पूरा ठाकुर जी का नियम को बना करके ब्रह्मा जी स्थापन कर दिया। जब स्थापन कर दिए, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए राजा के ऊपर। बोले महाराज बताओ अभी तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरे को यहाँ प्रकाशित किया है। राजा ने कहा एक ही वरदान दो। बोले क्या वरदान। बोले मेरे वंश जैसे कोई, मेरे वंश में कोई नहीं रहे, मेरा वंश निर्वंश हो जाए। बोले ऐसे क्यों। बोले अगर मेरा वंश के बच्चे लोग रहेंगे ना, बाद में दावा करेंगे ये हमारा मंदिर है, मेरे पिताजी ने ये मंदिर बनाया है, फिर आपकी सेवा में टांग अड़ाएंगे, आपका सेवा पूजा ठीक से फिर नहीं होगा, इसलिए मेरे वंश को निर्वंश कर दो। दूसरी चीज, आपका जो हाथ है कभी सूखनी नहीं चाहिए, मतलब इतना खाओ इतने खाओ जैसे अभी खाए, खा करके हाथ धोए, हाथ धो करके हाथ पोछे, इतने में खाना आ जाएगा, फिर आप खाना खाओगे, फिर अभी हाथ धो कर गए फिर खाना आ जाएगा, तीन भर आप खाते रहना, आपका हाथ किसी सूखे नहीं।
बोले ऐसे क्यों मांग रहे हो? बोले प्रभु आपका प्रसाद अगर दुनिया पाएगा हैं, फिर जीवों का कल्याण होगा। हाँ, जितने अब बार आपको भोग लगेगा उतना बार सबको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा तो आपका प्रसाद पाएंगे तो संसार जीव का कल्याण होगा, इसलिए आपका हाथ कभी नहीं सूखनी चाहिए। तब भगवान तथास्तु बोल करके उसको वरदान दिए, हैं उनको वरदान दिए भगवान ने, हैं इसलिए वरदान दिए। इसलिए अभी भी लेकिन श्री जगन्नाथ जी बोले, बोले मैं भी तुमको वरदान देता हूँ। बोले क्या वरदान देता हूँ? कहते अब देखना, जब जगन्नाथ जी मंदिर से आते हैं ना, उनको जैसे लाते हैं, पहले तो बोलते थे एक जगह से उनको रुई की, हैं रुई की तकिया होता है, पकड़ करके धड़ांग करके गिराते हैं, फिर ऐसे ऐसे नीचे रख करके ठाकुर जी को ले आते हैं, हैं अभी तो ऐसे ऐसे पकड़ पकड़े धीरे धीरे ऐसे ऐसे लाते हैं। बोले जब मैं आऊँगा मैं नीचे चल चल करके ऐसे आऊँगा, लेकिन जब तुम मेरे पास में आओगे पालकी में बैठ करके आओगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने प्रकट हुआ हूँ, और जो मैं आऊँगा मेरे सर के ऊपर में केवल एक ही छतरी होगा, लेकिन जब तुम आओगे तेरा तुम्हारी सर पर दो दो छतरी होगा, हैं दो दो छतरी होगा, क्योंकि तुम्हारा लिए ही मेरा प्रकट हुआ है। और राजा इतने भक्त होते थे, इतने राजा भक्त होते थे, कोई भी बात हो राजा को ठाकुर जी स्वप्न देते थे, और ठाकुर जी को साथ में राजा बात करते थे, कोई विषय हो बात करते थे भगवान स्वयं, इतने इतने राजा की इतने महत्व है पूरी राजा की। इसलिए और जगन्नाथ जी पहले तो हमने सुना है जगन्नाथ जी कैसे रथ यात्रा के लिए कैसे जाते हैं सुंदराचल, मतलब वृंदावन जाते हैं, द्वारका से वृंदावन जाते हैं। कहते ये एक कथा है जगन्नाथ जी ऐसे क्यों प्रकट हुए। आप पुरी में जा करके पंडित लोगों को पूछोगे ठाकुर जी प्रकट कैसे हुए, यही बात बताएंगे। लेकिन ठाकुर जी ऐसे क्यों हुए ये बात उनको पता नहीं, ठाकुर जी इसी रूप में क्यों प्रकट हुए ये बात उनको पता नहीं। लेकिन हमारे गुरु वर्गों ने, महाप्रभु का भक्त लोगों ने ये चीज को निकाला, उन्होंने हुए तो क्यों ऐसे हुए, हैं उसकी जो कथा है द्वारका में कैसे कृष्ण रहते हैं रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी मित्र बिंदा 16108 पटरानियों के साथ में, और रात को सोते हैं इनको पास में, लेकिन रोते हैं वृंदावन के लिए। जब जब रुक्मिणी सत्यभामा को पास में कृष्ण सोते हैं रात को, रुक्मिणी की कृष्ण कपड़ा खींच करके, हे राधे तुम कहाँ हो, हे ललिते तुम कहाँ हो, हे विशाख है तुम कहाँ हो, हे धवली हे श्यामली हैं हे मधुमंगल मैया जसोदा, सब ब्रजवासियों का नाम ले लेकर कृष्ण रोते थे। एक दिन महिषियों ने देखा कृष्ण तो रहते हैं हमारे पास में, लेकिन हम एक से एक सुंदरी है, राजकुमारी है ना, सारे विद्या में एक्सपर्ट है सबके सब, हैं लेकिन एक से एक सुंदरी भी है, हैं एक से एक सुंदरी। लेकिन आश्चर्य बात है, हमने कृष्ण का मन को, थोड़ी सी भी कृष्ण का मन को हम मोहित नहीं कर पाते, लेकिन पता नहीं ये ग्वालिनिया क्या कृष्ण के ऊपर जादू चलाया, हैं ये रहते हैं हमारे पास में और रोते हैं उनके लिए। एक दिन इनके मन में उत्साह हुई, एक दिन उन्होंने माँ रोहिणी के पास में गए, बोले क्यों? बोले रोहिणी च महाभागा, रोहिणी केवल एक व्यक्ति जो द्वारका में रह रही है कृष्ण का बचपन का ब्रज लीला को दर्शन किया, बोले इसने ब्रज लीला को दर्शन की, बोले आप तो ब्रज लीला दर्शन किए हो, हमको थोड़ा वृंदावन की कथा सुना, हम सुनना चाहते हैं। बोले देखो अगर कृष्ण वृंदावन की कथा सुनेंगे ना, फिर तुम्हारे पास में नहीं रहेंगे, तुमको छोड़कर भाग जाएंगे और वृंदावन चले जाएंगे, क्योंकि उनका प्रेम इतने श्रेष्ठ प्रेम है। बोले क्या किया जाए? बोले कहीं एक एकांत स्थान ढूंढो जहाँ पर कृष्ण बलराम नहीं आ पाए और एकांत में कथा सुनाए। बोले कहाँ पर? बोले राजमहल को अंदर में, बोले दरवाजे को बंद कर दो, सुभद्रा को खड़ी कर दो, अगर कृष्ण बलराम आए तो अंदर में घुसने नहीं दिया करे। फिर माता रोहिणी फिर कृष्ण कथा सुनाए, ब्रज की उन्होंने कथा सुनाए, हैं जब उन्होंने ब्रज की कथा सुनाई, ब्रज का जो कथा है सबसे प्यारी कथा ब्रज कथा है,
क्योंकि वो भगवान होते हुए भी कैसे अपना भगवता को भूल करके भक्तों का प्रेम की बसता उन्होंने कैसे स्वीकार किया, ये ब्रज कथा है। हैं, वो भूल गए मैं भगवान हूँ, सखाओं को साथ में सखे रस का आस्वादन करते हैं, उनको साथ में मल्ल क्रीड़ा करते हैं, कृष्ण कभी हार जाए ना, बोले कन्हैया तू घोड़ा बन, मधु घोड़ा बन, बोले मैं नहीं घोड़ा बनता, बोले घोड़ा नहीं बनोगे, बोले नहीं, बोले इसको अकेले कर दो, इससे कोई बात नहीं करना, हाँ इससे कोई बात नहीं करना, जब हम हार गए हमारे कंधे पर बैठा है, जब खुद का बारी आ गया अब ये बैठेगा, ये घोड़ा नहीं बनेगा, यानी सब अकेले कर दो, बात मत करो। कृष्ण कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे से बात करो, मेरे से अकेले मत किया करो, हैं, इसलिए अगर कोई फल मिला तो पहले सखा लोग तो खा लिए, बोले कन्हैया फल बड़ा मीठो है, बोले क्या अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दोगे, कृष्ण छीन करके जूठे फल खाते हैं, कहते अरे मीठा बड़ा मीठा फल है, हाँ फल तो बड़ा मीठा है, कभी पेड़ के ऊपर में कहीं फल है, जैसे तीन चार खड़े हो गए उसके ऊपर और दो तीन उसके ऊपर, ऐसे करके फल को कभी उतारे, उतार जब फल को तोड़े ऊपर वाला तो खा लिया, बोले फल बड़ा मीठा, उसको नीचे को देते है बड़ा मीठा, नीचे उसको नीचे मीठा, और कृष्ण को पास में आए ना उसको घुट लिया है, हाँ घुट लिया आए, कृष्ण बोले अरे बड़ा मीठा फल है, हाँ बड़ा मीठा फल है, इसलिए कृष्ण भगवान होकर के अपना भगवता को भूल गए। हैं, मैया जसोदा कान पकड़ती हैं, डांटती हैं, और गोपियों के साथ में प्रभु रास रचाते हैं, जब वृंदावन में प्रभु बंसुरी बजाते हैं, क्या बंसी ध्वनि, बोले त्रिजगत मानस आकर्षी मुरली कलकुज्जित, जब भगवान बंसी ध्वनि करते थे पूरा विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाते थे, चिड़िया मुनि बन जाते हैं, आकाश में मेघ एक जगह पर खड़े होकर छाया भगवान के ऊपर जैसे फुहारा होता है ना पानी जैसे फेंकते हैं, हैं हरिणियाँ आकर के आरती उतारती हैं, यमुना उल्टी बहने लग जाती हैं, पेड़ से मधु झरने लग जाते हैं, हैं जब कृष्ण बंसुरी बजाया करते थे उनने सुंदर सुंदर उनने वृंदावन की बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कथा सुनाई, कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण को पता चला मैया रोहिणी मेरी वृंदावन की कथा सुना रही है, इतने में कृष्ण आना चाहते हैं, बलदेव प्रभु को बोले दाऊ तुम बैठो मैं आता हूँ, इतने में आए कृष्ण, आकर के अंदर में जाना चाहते लेकिन सुभद्रा खड़ी हुई, बोले नहीं आप अंदर में नहीं जा सकते, मैया ने मना की उनको, उन्होंने जो उल्टा हाथ में भैया अंदर में मत जा सकते, कृष्ण वहीं पर खड़े हो गए और दरवाजा में कान लगा दिए, कान लगा करके अपना कथा सुनते 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 सुनते, हैं ऐसे ब्रज की कथा थी, सुनते 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 कृष्ण ही स्वयं प्रेम में द्रवीभूत होते 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 पिघलते पिघलते जगन्नाथ जी रूप, बलदेव प्रभु बोले कन्हैया गया अभी तक आया नहीं, वो भी आ गए, उनको पता चला मैया रोहिणी कथा सुना रही, उन्होंने सुभद्रा उनको सीधा हाथ में रोक दिया, बोले नहीं अंदर में नहीं जा सकते हो, वहीं पर खड़े होकर के दीवार हाँ दरवाजे में कान लगा कर सुनते 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 वो भी ऐसे हो गए, सुभद्रा दोनों भैया के रूप देख करके बीच में जो खड़ी थी वो भी कथा सुनते 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 वो भी ऐसे बन गई, इतने में जो सुदर्शन चक्र था वो भी कथा सुनते सुनते वो भी द्रवीभूत होकर के लकड़ी जैसे बन गया, इतने में श्री नारद जी बांस वीणा बजाते बजाते श्री नारद जी प्रकट हुए और नाचने लग गए, नारद जी कीर्तन करते करते जब नाचने लग गए भगवान का जब होश आया भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले नारद आज मैंने बड़े दिन में ब्रज की कथा सुनी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो इच्छा मांग लो, बोले दोगे, बोले हाँ, बोले प्रभु अभी आप जो ये रूप में प्रकटित हुए हैं हम चाहता हूँ आप इस रूप को लेकर के श्री जगन्नाथपुरी में सब जीवों को दर्शन दो, और जो एक बार तुम्हारी ये रूप का दर्शन करे और तुम्हारी प्रसाद को सेवा करे जिसे चिरकाल के लिए जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्त होकर के आपका नित्य धाम को प्राप्त करे, तो भगवान ने तथास्तु बोल दिए, बोले ठीक है ऐसे ही होगा, इसलिए जगन्नाथ जी प्रकट होने का गुरुदेव ये तीन कारण बताया करते हैं जगन्नाथ जी क्यों ऐसे रूप में प्रकट हुए, बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री बलदेव प्रभु की।
सुभद्रा देवी की, सुदर्शन चक्र की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। वंशागल दुर्भस्य कृपा सिंधु भय वच पतनम पावने भो वैष्णे भो नम नम। गुरुदेव ने जो रथ यात्रा ग्रंथों को निकाले और रथ यात्रा ग्रंथों को अच्छे तरह से पढ़ना, विस्तृत रूप में जगन्नाथ जी कथा उसमें बड़ा विस्तृत रूप में सुंदर रूप में गुरुदेव ने व्याख्या करते हुए कथा सुनाए, वो ग्रंथों को पढ़ लेना। ठीक है, अभी उमा दीदी आएगी फिर कथा सुनाएगी आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर ब्रह्मानंद हरि हरि माधव पांचाकल उदर व्यस्त कृपा सिंधु भय बचा पता नाम पावने भो विष्णु। अब काम में नहीं जाओगे? अब जाओगे, अभी जाएंगे ना।